पंजाबी बॉय पूछ रहे हैं कि इनको टेक्निकल सर्विसेज यानी बिल्डिंग मेंटेनेंस का बिजनेस करना है, उसके लिए क्या अखराजात आएंगे। भाई इसके अंदर सबसे पहले फॉर्मेशन सिस्टम को समझिए। एक सिस्टम है आपके पास सोल एस्टैब्लिशमेंट, यानी बिजनेस लाइसेंस बन सकता है, सोल एस्टैब्लिशमेंट बन सकता है, 100% ऑनरशिप ही होती है, लेकिन इस लाइसेंस में लोकल होता है, एज एजेंट होता है। अब अगर आप सिविल कंपनी में जाते हैं, दो लोग हैं, तीन लोग हैं, अगर आप सिविल कंपनी में जाते हैं, सिविल के अंदर भी लोकल होता है, एज एजेंट होता है, जबकि 100% शेयर्स आप ही के होते हैं। अब तीसरा जो फॉर्मेशन है वो जेन में रखिए, वो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, LLC लाइसेंस। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि 100% ऑनरशिप है और लोकल बिल्कुल भी नहीं है, बगैर लोकल के वो लाइसेंस बन सकता है। तो जब भी आप टेक्निकल सर्विसेज का बिजनेस लाइसेंस बनाने लगें तो बेहतर ये है कि आप LLC फॉर्मेशन में जाएं, लाइसेंस, इमिग्रेशन कार्ड, लेबर कार्ड, वीज़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें मिला के आपका बजट 15 से 20 हज़ार दिरहम का ज़रूर होना चाहिए। देखिए, एक तरफ तो आपका बिजनेस लाइसेंस बन गया। लाइसेंस जब भी बनाते हैं ना, तो इस लाइसेंस को आप विदाउट लोकेशन भी बना सकते हैं, बगैर लोकल के, बगैर ऑफिस के, ये लाइसेंस बन सकता है। लेकिन इसमें आपको 3 कोटा मिलेगा, आजकल जो सिस्टम चल रहा है, आजकल के रूल के मुताबिक 3 एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कोटा आपको मिल जाएगा। अब अगर आप समझते हैं कि नहीं, मुझे ज़्यादा लोग रखने हैं और मेरे पास लोग रेडी हैं, तो फिर मैं बोलूँगा कि आप विद ऑफिस ये लाइसेंस बनाएं, विदाउट ऑफिस ना बनाएं, ताकि आपको मजीद कोटा लेना में आपको आसानी रहे। अब इसके अगले अगले स्टेप पर चले जाते हैं। जब भी आप लाइसेंस बना चुके हैं, उसके बाद आपको चाहिए आप अपनी एक छोटी सी टीम बनाएं। जब भी आप लाइसेंस बनाने लगे ना, तो मैं हमेशा एडवाइस ही करता हूँ कि पहले टीम के बारे में सोचें, उसके बाद लाइसेंस बनाएं। देखिए, लाइसेंस 2 से 3 दिन में बन जाएगा। अब लाइसेंस बन गया, अब आपके हाथ में है, और अभी आपके पास टीम ही नहीं है, आपने सोचा ही नहीं किसको रखना है, क्या टीम बनेगी, क्या काम करना है, सबसे पहले किस तरह के प्रोजेक्ट को फोकस करना है। मान लीजिए आप समझते हैं कि आप अच्छे AC टेक्नीशियन हैं, आपकी स्किल्स हैं, तो आप AC मेंटेनेंस के बिजनेस को आप फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर मीडिया कैंपेन्स चला सकते हैं, ताकि लीड्स आना शुरू हो, बिजनेस मिल सके, और ग्रेजुअली आप अपने बिजनेस को बढ़ाते जाते हैं। और इसमें दूसरी चीज़ें भी, कारपेंट्री सर्विसेज, सैनिटरी का काम, इलेक्ट्रिक सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आप एड ऑन करते जाते हो। तो सबसे पहले जब भी लाइसेंस बनाने लगे, तो सोचिए कि लाइसेंस बन गया, अब आगे मुझे क्या करना है। अगले मामलात को ज़रूर सोचें, लाइसेंस 2 से 3 दिन में आपके हाथ में होगा। मेरा नाम है ताहिर, आप देख रहे हैं दुबई बिजनेस एडवाइस पर चैनल। कोई भी सवाल हो आप मुझे रابطہ कर सकते हैं।